नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 11वीं क्लास। 10 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, यानी कि 500 क्वेश्चन जो हैं वो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने वो पिछली 10 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक स्तर पर विद्यालय में प्रशासन व प्रबंधन संबंधित समितियों का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है विभागीय अध्यक्ष, सी है यहाँ पे प्रधानाचार्य। तो वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रिंसिपल होता है वही स्कूल के सभी फंक्शन के मैनेजमेंट और संचालन के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, फ्लैश कार्ड का उपयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं ये फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो फ्लैश कार्ड एक प्रकार का विजुअल एड्स है, ठीक है। तो टाइप ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो इनके होते हैं 3 प्रकार। ये कभी एग्जाम्पल इनके पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है विजुअल एड्स, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना। तो विजुअल एड्स जो होते हैं पहला होता है, दूसरा होता है ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स, और तीसरा होता है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। तो पहला जो होता है वो होता है विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य साधन होते हैं। इसके एग्जांपल है मॉडल्स हो गया, मैप हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्राफ हो गया, स्लाइड्स हो गया और फ्लैश कार्ड। ये सभी जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके विजुअल एड्स के एग्जांपल। दूसरा आता है ऑडियो एड्स, इसके एग्जांपल हैं रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये एग्जांपल हैं आपके ऑडियो एड्स के। और तीसरा आता है वो आता है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य साधन है। इसके एग्जांपल हैं कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, मल्टीमीडिया हो गया और आपका प्रोजेक्टर, जो ये सभी एग्जांपल हैं आपके दृश्य श्रव्य साधन के, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे तो फ्लैश कार्ड का ऐसा आ रखा है कि इसका यूज़ सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो फ्लैश कार्ड है ये किसका एग्जांपल है, विजुअल एड्स का, ऑडियो एड्स का या ऑडियो विजुअल एड्स का। तो इनको सभी को आप नोट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सबसे अधिक यूज़ किया जाता है छोटी कक्षाओं में, ठीक है। छोटी कक्षाओं में जैसे इसमें एक कार्ड है, एक तरफ हमने एक डायग्राम बना दिया और दूसरी तरफ उसका नाम लिख लिया। जैसे हमने अगर बच्चों को पढ़ाना है एप्पल के बारे में, ठीक है, एप्पल, तो एक तरफ से हमने एप्पल का डायग्राम बना दिया और दूसरी तरफ हमने उसका नाम लिख रखा है। इसमें छोटी कक्षाओं में अगर हम बच्चों को जितना विजुअलाइज तरीके से पढ़ाते हैं उनको समझने में उतनी ही आसानी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रव्य साधन में सुना और देखा जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो श्रव्य साधन है उसमें क्या है, एग्जाम्पल हमने ऊपर बताया ना, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, इसमें हम केवल सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, दृश्य साधन में देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है, तो जो विजुअल एड्स होते हैं वो मैप है, तो मैप को हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। सी है, श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स में केवल सुना जाता है देखा नहीं जाता। देखो टीवी इसका एग्जांपल है, तो टीवी को हम देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। यहाँ पे हमने बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, तो तीनों यहाँ पे ये क्या है, असत्य कथन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से समूह शिक्षण विधि के गुण हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो है, यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा टीचर क्लास में जाते हैं और साथ में बच्चों को वहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। बी है, इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। इसमें एक टीचर जो है वो किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ाएगा, लेक्चर देगा और जो दूसरा टीचर है वो उसके व्यवहारिक पक्षों का स्पष्टीकरण भी वहीं पर देता है बच्चों को। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रकृति के रूपों में कौन एक असत्य है? तो असत्य कौन है यहाँ पे? एक दिशानात्मक प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षण एक दिशानात्मक प्रक्रिया नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे असत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेता है जिससे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है? देखो, जो टीचर है वो अपने बच्चों से फीडबैक कब लेगा, कैसे प्राप्त कर सकता है? जब आपस में बातें करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, बच्चों को कितना समझ में आता है जब टीचर उसका पढ़ाता है, तो कैसे लेंगे? जब यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। संप्रेषण कौशल या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा एक अध्यापक अपने स्टूडेंट से अपना फीडबैक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या एवं नई शिक्षण पद्धतियों के आगमन से देश में किसका अभाव देखा जा रहा है? तो यहाँ पे जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परीक्षा उपयोगी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक सहायक प्रणाली में एक कौन शामिल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए शिक्षा कौशल भी सही है। सहायक शिक्षण और शिक्षण सामग्री जो है ये सभी शिक्षक सहायक प्रणाली में शामिल होते हैं, तो इसलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने में सहायक होती है? तो इसका भी राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जानकारियां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन एक साथ में चाहिए, इनके लिए हमने बना रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ईबुक, जिसमें आपको मिलेंगे 1000+ क्वेश्चन, ठीक है। इस ईबुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardharclasses.in, तो वहां आपको DLED के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ईबुक मिल जाएगी। उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए पूरे 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो यहाँ पे जो 10 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है। आपने भी अपने घर में देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है जब उसको आप खाना देते हैं तो अपना वो पहले पूरा हाथ भर देता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने अंगों को क्या है, इंटीग्रेट करना सीख लेता है, फिर वो उंगलियों का प्रयोग करता है और फिर वो उंगलियों और हाथ को एक साथ चलाना शुरू करता है, और जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे वो भी खाना खाता है, तो यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है? शैशव काल, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है यहाँ पे किशोरावस्था। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे पूर्व बाल्यकाल या जो प्री चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें जो बच्चा है सबसे ज़्यादा भाषा सीखता है, क्योंकि वो मात्र उस टाइम होता है 2 से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है। और बोलते हैं ना, बचपन में बच्चे को जिस तरफ भी ढालते हैं वो ढल जाता है, तो इसमें उसके अराउंड जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है वो उसको जल्दी अडेप्ट कर पाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो जो शैशव काल या इन्फेंसी स्टेज ये होती है आपकी 0 से 2 ईयर की, फिर होता है प्री चाइल्डहुड 2 से लेके 6 ईयर, फिर होता है उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड जो होता है ये होता है आपका 6 से 12 वर्ष तक, और फिर किशोरावस्था होती है 12 से लेके 18 वर्ष तक, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो जब बालक किशोरावस्था में होता है, यानी कि बालक जब 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच में होता है, तब उसमें ये फीलिंग आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो ये होता है बच्चे का, छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो शारीरिक विकास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बालक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है? तो आंतरिक कारक इसमें कौन नहीं है? देखो, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या फिजिकल डेवलपमेंट, या सोशली डेवलपमेंट, ये सभी जो है ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो भौतिक वातावरण यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो कौन सा वो माध्यम है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी है, यह समय बिताने में सहायक होगा। और डी है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो ऑप्शन डी होगा इसमें राइट आंसर। जब बच्चे खेलेंगे, ग्रुप के साथ खेलेंगे, तो उसके अंदर क्या है, सहयोग की भावना भी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रभावित होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है, सामाजिक अंतःक्रिया से, बिल्कुल ये भी सही है, अंतर व्यक्तिगत संबंध से भी, और दूसरों से संप्रेषण से, इन सभी से अधिगम प्रभावित होता है। तो 10 जो 17 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है, यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु बने रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, बी है आर्थिक कारक, सी है राजनीतिक कारक, और डी है यहाँ पे समूह अध्ययन कारक। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? तो मोटिवेशन का स्रोत है यहाँ पे ऑप्शन डी, इच्छा। क्वेश्चन नंबर 28 है, योगात्मक परीक्षा या योगात्मक मूल्यांकन के परिणाम किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, और सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या होता है। तो 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये 3 टाइप के इवोल्यूशन? तो पहला होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, दूसरा होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवोल्यूशन, और तीसरा होता है निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, 3 प्रकार के ये मूल्यांकन होते हैं। इनमें जो सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है वो होता है रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। वो क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वो टीचर क्लास के दौरान या टीचिंग के दौरान ही यह जांच कर लेता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना उनमें प्रोग्रेस हुआ है, और कितना नॉलेज उन्होंने गेन किया है। ये क्लास टीचिंग के द्वारा करने वाला जो मूल्यांकन होता है उसे कहते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन। इसलिए भी अच्छा होता है, इसमें जो टीचर है वो क्लास के दौरान अपने बच्चों का बार बार फीडबैक भी लेता रहता है। उन्होंने कुछ और टॉपिक पढ़ा दिया, अगर वो समझ में उसको नहीं आता तो उसी टाइम उसका फीडबैक लेंगे, और उसको जो समझ में नहीं आता है फिर से वो क्लियर करके उसको समझाता है। टीचर को पता चल जाता है कि जो मेरा स्टूडेंट है उसकी कहाँ पे कमी है, कौन सा टॉपिक उसको बार बार समझाने से भी समझ में नहीं आता है, तो उसकी कमियों को दूर वो क्लास के दौरान ही कर लेता है। इसलिए जो ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये क्लास के दौरान गलतियाँ भी हो रही है और उनका निवारण भी क्लास के दौरान ही हो रहा है। दूसरा आता है यहाँ पे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, तो दूसरा जो मूल्यांकन होता है वो होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि योगात्मक परीक्षा के परिणाम किस प्रकार के होंगे, तो ये कभी कभी नकारात्मक होते हैं। क्यों होते हैं इसको पढ़ते हैं। तो जो समेटिव इवोल्यूशन होता है यह सत्र की समाप्ति के बाद होने वाला इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें जो शिक्षक होता है वो ये जांच करता है कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। आपने अपने स्टूडेंट को एक साल तक पढ़ाया और जो एंड में आप उसका एग्जाम लेते हैं उसको कहते हैं हम योगात्मक परीक्षा। अब जब आप उसको एग्जाम हॉल में बिठाते हैं तो वहाँ पे आप उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है नकारात्मक भी हो जाता है।
और लास्ट जो मैंने बोला निदानात्मक या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कब किया जाता है, तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के दौरान असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट की असफलता का कारण जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पढ़ने में तो ठीक होते हैं लेकिन क्लास में एग्जाम में उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, तो इसलिए जो टीचर होते हैं वो उनका वाइवा लेते हैं या उनका इंटरव्यू लेंगे कि जो ये मेरे सामने बोल पा रहा है ये एग्जाम में ये क्यों नहीं लिख पाता है। तो इस प्रकार का जो इवोल्यूशन होता है उसको कहते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी कि विद्यालय आधारित जो असेसमेंट होता है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन यानी कि CCE आवश्यक है। तो यहाँ पे जो CCE आवश्यक है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, किस प्रकार से दर्ज किया जाता है और किस प्रकार अधिगम में सुधार किया जाता है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसमें स्टूडेंट के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मेंटली सोशली, ये सभी पक्ष शामिल होते हैं CCE में। क्वेश्चन नंबर 31 है, शैक्षिक शोध यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की आवश्यकता क्यों होती है। तो सुचारू कक्षा शिक्षण हेतु, शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु और मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने हेतु हमें एजुकेशनल रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता है। तो ए और बी और सी यहाँ पे तीनों यहाँ पे 32 का होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विश्वसनीयता शोध का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ साथ परिचायक होता है। तो कौन सा है यहाँ पे, तो 33 के आप ऑप्शन देख सकते हैं, 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैधता का। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा होता है। सबसे पहले अगर हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या, किस बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम रिसर्च तब करते हैं, कुछ समस्या होती है उसके समाधान के लिए हम रिसर्च करते हैं ना, तो इसलिए 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण हमेशा होता है समस्या की पहचान। पहले हम किसी समस्या की पहचान करेंगे तब जाके ही हम तो उसका निवारण कर सकते हैं, इसलिए बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, किन कारणों से शिक्षा की प्रक्रिया बिना संप्रेषण के संभव नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो 35 का यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए है कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषित नहीं हो सकती है। ठीक है, बी है यहाँ पे, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने शंकाओं के समाधान हेतु शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे, ये भी सही है। और शिक्षण प्रक्रिया में प्रशंसा या आलोचना का विशिष्ट महत्व होता है। तो यहाँ पे जो 35 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी कारणों से शिक्षक की जो प्रक्रिया होती है ये इनके बिना संप्रेषण से संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसका समर्थन करता है। तो जो संप्रेषण है ये समरूपता और अनुरूपता दोनों का समर्थन करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मनुष्य दूसरे के व्यवहारों का मूल्यांकन तथा समस्या का निराकरण करता है। तो किसके द्वारा करता है, तो यहाँ पे 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों में किसकी अंतः क्रिया प्रायः शामिल होती है। तो अंतर व्यक्तिगत संबंधों में हमेशा माता पिता हो गया, मित्रों, शिक्षक या छात्र के सभी की अंतः क्रिया इसमें शामिल होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर,
आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्यों वाला है। आप उस परिवार से कैसा संबंध रखेंगे? तो आप उस परिवार से, वो आपका पड़ोसी है, तो अच्छे पड़ोसी जैसा ही आप उसके साथ संबंध रखेंगे। तो ऑप्शन बी होगा 39 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, माध्यमिक शिक्षा से छात्रों में किसका विकास होता है? तो माध्यमिक जो शिक्षा होती है उसमें छात्रों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होता है, संवैधानिक अधिकारों का विकास होता है और कर्तव्यों का बोध होता है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति में संकीर्णता की समाप्ति के साथ साथ क्या विकसित होता है? जब एक कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें क्या विकसित होता है? तो 41 का जो राइट आंसर है उसमें सामाजिक समानता आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समझ आ जाती है और सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता उसमें आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन है? भारत का जो पहला जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो कौन थी? वो थी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिवृत्ति या एटीट्यूड को कभी कभी मनोवृत्ति भी कहा जाता है क्योंकि यह तो एटीट्यूड क्या है? भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन बी होगा 43 का राइट आंसर। एटीट्यूड क्या है? किसी भी व्यक्ति का किसी भी काम के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान होना ही एटीट्यूड है। जैसे अगर आपको क्या है पढ़ाना पसंद है तो वो आपका पढ़ाने के प्रति क्या है आपकी इच्छा है, आपका रुझान है, तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति विचार या घटना अथवा संस्था आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगती है तथा उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है तो ऐसी अभिवृत्ति होती है, तो कौन सी होती है? ये स्वीकारात्मक अभिवृत्ति एंड सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन हमारे जीवन की दिशा एवं दशा को निर्धारित करती है? तो एक जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वही हमारे लाइफ की दिशा और दशा दोनों को ही निर्धारित करती है। ऑप्शन बी होगा 45 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए? 46 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन कौन करता है? तो समस्त विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है एक प्रिंसिपल। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षण अधिगम को नियोजित करने हेतु किस समिति का गठन किया जाना चाहिए? तो पुस्तकालय समिति हो गया, छात्र सहायता समिति और छात्रवृत्ति समिति, इन सभी का गठन किया जाना चाहिए शिक्षण अधिगम को नियोजित करने के लिए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? तो कौन सा है यहाँ पे? तो 49 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, खेल का मैदान। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।